यह है पास्तारी, यह है जुर्म। रोकर कहा बानों ने, अब देखिए जवाब। रोकर कहा बानों ने, न फरमाइए हजरत, कौनैन की दौलत मेरी हजरत की बदौलत, इस वाकर कशी से कोई अफजल नहीं नेमत, एहबार था मेरा के हुई आपसे वसलत, कसरा की जो पोती हूँ तो कुछ फख्र नहीं है, सरताज मेरा दुश्य मोहम्मद का हकी। यह है हुकूक। कितने मुसलमान हैं जो अपनी सौजा के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं? इंसान को बेदार तो होने ने दो, हर कौम पुकार रही कि हमारे हैं हुसैन। मुसलमान मुसलमान के हैं हुसैन को। तो आले सुरून ने वहां से, आले रजा ने जब ये जोश का शेर सुना तो कहा, एक फख्र सा महसूस हमें होता है, एक फख्र सा महसूस हमें होता है जब कोई भी कहता है हमारे हैं हुसैन। फिर अपने की सर्कल में ला लिया। तो ये इंसान जो दौलत पाता है, इंसान जो मुकाम हासिल करता है, उस पर उसके मातहतों के, उसके खानदान के, उसकी रियाया के हुकूक उस पर आते हैं। शहीशा होना, सरदार होना, नुमाइंदा होना बहुत मुश्किल है। हुकूक की पासदारी जरूरी है। इस्लाम के जितने भी मसाइल हैं, वो ज़कात हो या इस्तग़ना हो या अनाथ हो या बुर्दबारी हो या खुददारी हो या अज़्म हो या ये तमाम किसी ना किसी तरीके से, पूरी तरीके से हुकूक है बशर की पासदारी में लगे। शहीनशाहों को ने जो जुल्म किया है, तो मीर अनीस इन चीजों को पूरी तरीके से बताते हैं। तकरीबन 16-17 मुहामात ऐसे हैं जहां पर मीर साहब ने बहुत ही शिद्दत से इस चीज को बताया है कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें इस्लामी नहीं है। इस्लाम अगर है तो इस इस्लाम को सलाम, ये इस्लाम नहीं है जिसमें पूरी तरीके से यह बताया गया है कि इस्लाम के जो मतालिब हैं, दौलत। वैसे तो अगर सिर्फ इस एक छोटे से इशारे को लिया जाए कि खतलोवार, वो तो पासदारी का 1/100 भी नहीं है। दौलत, गुरूर, नखवत, दौलत का हमें ख्याल आता ही नहीं। तो मीर साहब की आदत यह है कि मीर साहब ने जिस तरीके से यह बताया है कि अगर तुम अपने हुकूक की पासदारी चाहते हो तो तुमको तवक्कुल पर भरोसा करना चाहिए। तवक्कुल और तवक्कुल में बहुत फर्क है। जब आप तवक्कुल की उम्मीद रखेंगे तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि आपके पास इस और तमा और दूसरी ख्वाहिशा मीर साहब ने अपने मर्सिये में रुबाइयात होंगे, सलाम होंगे, मर्सिये होंगे। मीर साहब ने यह कहा है कि अपनी खुददारी, अपनी इज्जत नफ्स, अपनी बुर्दबारी को बरकरार रखें। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि हुकूक है इंसानी, इंसानी कदरों में से इल्मो अखलाकियात पर किताबें हैं। अरस्तु से लेकर, अरस्तु पहला शख्स है जिसने इल्मो अखलाक पर किताबें लिखी, उसके बाद हुकूक है बशर और इज्जत मरातिब की तरतीब हुई। तो ये जो बड़ी डिक्शनरी है उसमें इंसानी कदरों में से एक कदर से पासदारी हुकूक बशर। लेकिन इंसानी कदरें एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं कि आप इनको खानों में तकसीम नहीं कर सकते। तवक्कुल, आपने देखा होगा कि जो शख्स
तवक्कुल करता है वो बहुत कम किसी से शिकायत करता है। मीरा अनीस ने, मैं समझता हूं कि जितने आपदार शेर तवक्कुल पे कहेंगे शायद ही उर्दू अदब का कोई किसी के सामने क्यों हाथ जाके फैलाओ। मेरा करीम तो देता है बेस, मेरा करीम तो देता है बेसवाल मुझे, करीम जो तुझे देना है बेतलब दे दे, फकीर हूं पर नहीं आ जाते सवाल मुझे। तो जान दुनिया से हाथ उठा के तवक्कुल करीम पर, अल्लाह के फकीर को फेराना चाहिए। कुंजे उजरत में मिसाले आसियाओं को शकीर, रिस्क पहुंचाता है घर बैठे खुदा मेरे लिए। आप इसमें शेरी मजा भी तो देखिए, यानी चक्की के मुंह में खुद बसा डाली जाती है। चक्की एक कोने में रखी, मीर साहब ने किस तरीके से, मैं मेरा दिल चाहता है कि इस पुश्त अपनी गुफ्तगु में पुश्त मीर साहब के शेर का भी हम मजा लेते चले कि ये कितना अजीम शायर है। किया कबूल फनाअत से बहरे आलम में, एक एक लफ्ज को गौर कीजिए। और अगर ऐसा कोई शेर है तो मुझे, तो मैं शुक्रिया के साथ कबूल करूं। किया कबूल फनाअत से बहरे आलम में, सदफ की तरह मैसर जो आप दाना। अब इस शेर की आप तौजीह कीजिए, बहरे आलम को देखिए, सदफ की तरह आप दाना देखिए, यहाँ पर दाने की नजाकत देखिए, यहाँ पर आपकी उस पर कैफियत देखिए। तो ये शेर नहीं है, बल्कि इस शेर पर आप दफ्तर लिख सकते हैं कि क्या कबूल फनाअत से बहरे आलम में, सदफ की तरह मैसर जो आप दाना हुआ, भिगो के खाते हैं पानी में नाने खुश्क को वो, भिगो के खाते हैं पानी में नाने खुश्क को वो, इस आबरू को जो मोती की आप समझे। खुददारी इससे बढ़कर, यह इंसान साथी हो रही है, यह इंसान को देखिए। इकबाल ने एक बड़ी अजीम चीज कही थी और जिसको मौलाना रूम ने कहा था, आज शिरारा कुनत रूबा मिजाज एहतियाजस एहतियाजस एहतियाज। जो चीज शेरों को लोमड़ी बना देती है वो जरूरत है, जरूरत है, जरूरत। ये हाथ जब ऐसे हो जाते हैं, ये हाथ इस तरह से होना चाहिए, या तवक्कुल करीब पर होना चाहिए, ये हाथ पैदा होना नहीं चाहिए। तो इकबाल ने वही तो कहा था जो अपने आदम अज बेबसरी बंदगी आदम ख्याल, आदमी बेबसरी से अपनी कूरपन से अंधेपन से दूसरे आदमी की गुलामी किया। गौहरी दाश बली नजर काबा वो जंग है, ये जो खुददारी का जो मोती इसके पास था, इसने इसको शहंशाहों की नजर कर दिया। यानी असूय गुलामी ज सगा खौर तरस, यानी इस शख्स की जो खूब है, इस शख्स की जो फितरत है, इस शख्स की जो तबीयत है, वो तो कुत्तों से भी पाइंदर है। मन नदीदन के सगी पेश सगी समकर, मैंने कभी एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के सामने सर झुकाते नहीं देखा, लेकिन इंसान को दूसरे इंसान के सामने सर झुकाते। किस हद तक इंसान गिर सकता है, किस हद तक इंसान अपने हुकूक को पायमाल कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इस चीज को मीर साहब कह रहे हैं, कनात वो कहर आबरू व दौलत दी, कनात वो गोहर आबरू, आबरू का मोती वो दौलत दी, और दीन की दौलत हम अपने किसे खाली भी क्या नहीं रखते। इससे बेहतर कोई शेर है कि हमारा कीसा तो खाली है, हमारी थैली तो खाली है, हमारी जेब तो खाली है, लेकिन इस जेब में हमारे पास क्या है, हमारे पास कनात है, हमारे पास आबरू का मोती है, हमारे पास दीन की दौलत है। इससे बेहतर हमें क्या चाहिए। अहले दौलत से नहीं मतलब अनीस, यहाँ तवक्कुल है सदा अल्लाह पर,
और तो करीम, तो जिस तरह से मैंने कहा कि एक कशकोले तकर तवक्कुल एक नब्दे जाहे पास है बनी दिल के कोई दामो दिलम रखते नहीं, तो मीर साहब एक मौजू को लेकर आगे बढ़ा रहे मसले। मीर साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में इंसान एक सामाजिक हैवान, दुनिया की जो ये पूरी दुनिया है ये एक रोटी की तरह है। अगर कोई शख्स ज्यादा रोटी खा ले तो दूसरे के लिए कम रोटी है। जब निक्सन गया है चुनलाई के पास चाइना, तो उसने एक एडवाइस की उसको कि आप हमारी तरह अमेरिका की तरह से बन जाइए। तो जब उसकी तस्वीर का वक्त आया तो उसने कहा अमेरिका के होते हुए अब दुनिया में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम अमेरिका की तरह बन सके। जाओ ठीक है कि आधे से ज्यादा रोटी तो तुम खा। तो जहां पर हक पामाल होता है उसी इसीलिए तो इस दीन शरीफ में ज़कात वाजिब है। इस वजह से यहां पर जो मसला तसव्वुफ का है, तसव्वुफ का बता दिया है, तसव्वुफ इंसानी हुकूक की पासदारी करता है, वो तसव्वुफ नहीं निकल कर खान खाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अब देख रहे हैं ये अल्फाज वो तसव्वुफ नहीं जो खान खानी, वो तसव्वुफ के शरबत दीदार है मेरी दवा, ऐ मसीहाए जमा बीमार हूं जब मैंने खुद किया है इख्तियार, वरना जो चाहूं करूं मुख्तार हूं। एक दर पे बैठ कर है तवक्कुल करीम पर, अल्लाह के फकीर को फेरा न चाहिए, राहत खुदा ने दी तो किया तूने शुक्र का, ईसा भी चार दिन को तो शुक्र न चाहिए। देखा या? फकीरों की मजलिस से सबसे जुदा अमीरों का यहां तक गुजारा नहीं। मीर साहब पूरी तरीके से, मीर साहब की कोई 586 रुबाइयात और 586 रियासत में 20 जो रुबाइयात हैं वो अखलाकियात पर हैं। मैं उस तरफ इस वजह से नहीं जाना चाहता कि हमारे पास उतना वक्त नहीं, लेकिन यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन जंजीरों को इन हल्कों को जोड़ते चले जाए। मीर अनीस पर खत्म नहीं होता है, मीर अनीस से पूरी तरीके से आगे बढ़ाते हैं इन चीजों को। एक जो हमारे पास दुनिया की जो बेरहमी है, दुनिया में जो जुल्म सितम है, जिस पर मर्सिया में सबसे ज्यादा रोशनी डाली गई है, उसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि मीर अनीस ने वाज और पान व नसीहतें नहीं की, जहां कहीं मौका मिला खुद अपने आप को उस मुकाम पर रख कर बातचीत की है। यह भी एक बुजुर्गवारी है शायर की कि वो इंसान शर्मिंदा है खुदा की जात और बारगाह में जाते हुए। मीर अनीस के पास ये मौसम बहुत मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया, जैसे एक जगह कहते हैं कि रहम कर रहम के शर्मिंदा हूं मैं बारे खुदा, बंदगी का तेरे जो हक था अदा हो ना सका, खौफ महशर से बदन कांपता है सर ताबा, होगी आमिल होगी आमाल की कोशिश तो कहूंगा मैं क्या, कोई तोहफा तेरे लायक नहीं पाता है हुसैन, हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन।
तो ये जो इश्क खुदा का मसला बैठूं तह शमशीर या मर्जी खुदा है ऐ आशिक सादिक दम तस्लीम और रजा है तू ही है शाह शहंशाहों का है बारे खुदा बिरनीस की जो मुनाजात है जो मर्सियों में आई उसमें खास किस्म का कसूर एक खास किस्म का उसमें इंसान का सबसे बड़ा हक यह है बंदगी का कि खालिक की क्योंकि इंसान जो इस दुनिया में आया है न्यू रिसर्च के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी यानी बिलियंस एंड ट्रिलियंस में से एक इंसान बना है यानी तभी आप जो आपके सामने इस वक्त खड़ा हुआ है इसका वजूद इम्कान यह था कि कई ट्रिलियंस में से मैंने एक मैं यहां पर इस दुनिया में लाया गया हूं और जो मुझे जिंदगी दी गई है जो मुझे जान सुपुर्द की गई है वो सबसे बड़ी इस दुनिया की यूं समझिए कि देन है जिसे खुदा ने दिया है तो उसी की तरफ आपके अगर हमने उसका हक अदा नहीं किया और उसके बारे में गुफ्तगू नहीं की तो इसका मतलब यह है कि हमने हक तलबी की इसी वजह से खुदा ने सबसे अहम चीज कही और मीर हदीस इसी चीज को बताते हैं कि तू ही है शाह शहंशाहों का है बारे खुदा है बराबर तेरी सरकार में सब शाह गदा खातिरे आशिक जांबाज है अलबत्त सिवा ऐ खुशाहाल हुआ मुझसे तेरा इश्क अदा अल्फ पर देख रहे सीने पे चंदाद रहे लब पे वो नाम तेरा दिल में तेरी याद इबादत के मन से जान आप देख रहे हैं कि इन चीजों को यानी आज दुनिया हमसे ये कहती है कि इस मजहब में सिवाय जरावन सिवाय मारन तोड़ सिवाय ये कि हक तलबी कोई चीज नहीं नहीं शेर मुकदमे शेर व शायरी आप पढ़िए अल्ताफ हुसैन खाली क्या लिखते हैं अल्ताफ हुसैन खाली लिखते हैं कि बहुत से बड़े शोरा के कलाम इस वक्त मौजूद हैं उनका मुतालिया कीजिए लेकिन उर्दू शायरी उफूनत में संडास से बदतर हो चुकी है सिर्फ अगर अखलाक की नज्म कहलाने का कोई नज्म बाकी है तो वो मर्सिया है मर्सिया अखलाकी सास है मर्सिया हुकूक इंसानी का पासदार है मर्सिया इज्जत मरातिब का जामिन है तो भी आगे लिखते हैं इस वजह से ये जरूरी है कि मोनिस उन्स अनीस वगैरह का कलाम पढ़ा जाए हम इस साल हाली और शिबली नुमानी की 100 साल बरसी मना आप जानते हैं कि शिबली का इंतकाल नवंबर 1914 में हुआ और हाली का इंतकाल 31 दिसंबर 1914 को ये 2014 दोनों के साथ में 100 साल बरसी इन अजीम शायरों मुआवजना अगर आप देखें मीर अनीस अनीस और दबीर का वो चीजों को छोड़कर जिस पर गुफ्तगु बहुत हो चुकी के मीर साहब शिबली ने मिर्जा साहब के साथ इंसाफ नहीं किया वो सब जानते हैं लेकिन एक इंसाफ तो बहुत वो इंसाफ ये था कि पूरा आपके नक्शा खींच के रख दिया कि मर्सिए में होता क्या है मर्सिए में इंसान उस वक्त इंसान होता है आज के 21वीं सदी का अलमिया यह है कि हर शख्स ये कहता है कि तुम मेरी तरह से बन जाओ माई वे इज द राइट वे और यही तालीमात इस्लाम के मना थी लेकिन ये तमाम इख्तलाफ रखते हुए भी एक चीज पर ये 7 बिलियन लोग कायम हैं और वो
काबिल है, वही एक ऐसी चीज है जिससे आज के नफ्सियाती जो तजिया हो रहा है लोगों को एक जगह बनाने का और लोगों को एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे से खरीद करने का, अखुबत और मोहब्बत का दर्श देने का, वो फलसफे मौत सका अखबार का बस। मैं देखिए मीरानीस का अगर वर्सिया आप देखें, एक वर्सिया में 5-7% शेयर बैन के होते हैं। मर्सिया होता ही है मैं लफ्ज भी चुस्त हूं मजमून भी आली होवे, मर्सिया दर्द की बातों से ना खाली। तो अगर दर्द ना होगा, अगर बैन ना होगा तो मर्सिया नहीं होगा, कोई और नज्म होगा। लेकिन मर्सिए के जो क्लासिकल चीजें हैं जिसमें चेहरा हो, गुरेज हो, रजस हो, आमद, लड़ाई, शहादत और बैन, आजकल के जो मर्सिए हैं उसमें ये चीजें नहीं। लेकिन मौ